तो यहाँ भी आवाज़ कुछ आया, बोलता पहाड़ जैसा, जैसे मैं बोलता हूँ, चिल्ला के बोलता हूँ तो आवाज़ आएगा शायद। देखिए मैं बोलता हूँ हल्दिया डैम। हेलो दोस्तों, तौहीद मुस्तफ़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी हम आ चुके हैं रजौली होटल में हैं और कुछ खा पी के जाएंगे हल्दिया डैम, तो आपको हल्दिया डैम दिखाएंगे। और ये रहा सब भाई लोग, क्योंकि ये चंदन भाईजान है, ये गोपाल भाईजान है, ये रहा संजय भाई और वो रहा अर्पित भाई। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी होटल में खा पी के हम लोग जाएंगे हल्दिया डैम, और हल्दिया डैम का कुछ नज़ारा दिखाएंगे आपको, तो क्या क्या है नहीं है, तो वीडियो में बिल्कुल बने रहेगा। तो चलिए आपको हल्दिया डैम लेके जाते हैं। तो अभी हम लोग खाना पीना खा के ये होटल से जा रहे हैं हल्दिया डैम। और ये रहा फ्लाई ओवर, जो कि रजौली का मेन बाईपास का फ्लाई ओवर है, और यहाँ से हम जा रहे हैं हल्दिया डैम। तो आपको दिखाते हैं, और बहुत सारा जो है चेंज हो चुका है हल्दिया डैम, मतलब जाने में जो है रिपैनल वगैरह, रजौली का लोकेशन वगैरह सब एकदम चेंज हो चुका है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंदन भाईजान और संजय भाईजान, जो कि पीछे रह चुके हैं, और हम जा रहे हैं आगे आगे, क्योंकि चंदन भाईजान को रास्ता उतना पता नहीं है, तो गोपाल भाईजान को पता है, तो इसलिए आगे जा रहे हैं। हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग हल्दिया डैम का वीडियो बना चुके हैं। तो आपको मैं फ्रंट कैमरा से ये दिखा रहा हूँ, आपको चलिए मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ लोकेशन कुछ। तो ये देखिए रजौली मेन बाईपास से हम लोग जा रहे हैं हल्दिया डैम, और कुछ नज़ारा जो कि रिपैनल वगैरह जो है बीत चुका है, जो कि काफ़ी ऊंचा हो चुका है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और रोड काफ़ी सन्नाटा है। और नवादा से जो हम लोग आ गए हैं रजौली का वीडियो देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, देख लीजिएगा आप लोग जाके। नवादा टू रजौली का वीडियो काफ़ी चेंज हो चुका है, नवादा से रजौली का मेन बाईपास का काफ़ी एकदम लोकेशन चेंज हो गया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। यही रहा कुछ नज़ारा, तो आपको हम लेके जा रहे हैं हल्दिया डैम। तो चलिए, और फोर लेन भी दिखाएंगे, इस लेन में जो है फोर लेन भी है, काफ़ी चेंज हो चुका है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। काफ़ी मौसम भी अच्छा है और नज़ारा भी एकदम देखने में खूबसूरत लग रहा है, ये फ्लाई ओवर का, और लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है हल्दिया डैम का भी, तो आपको दिखाऊंगा। और बहुत ही जल्द कंप्लीट तो नहीं होगा ये प्रोजेक्ट, कम से कम तो 2025 का प्रोजेक्ट है काफ़ी। और देखिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए सामने, जो कि काफ़ी फ्लाई ओवर जो है बन चुका है, और ये सब देखिए रिपैनल वगैरह बीत चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल एकदम लग रहा है, मस्त लग रहा है। चलिए आपको मैं हल्दिया डैम लेके जाता हूँ, और हल्दिया डैम जाने से पहले आपको मैं फोर लेन दिखाता हूँ, और आपको इधर टोटो पलटा गया, ये देखिए टोटो, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, तो अब हो चुका है ये देखिए। तो कैमरा में कैद हो गई, ये रहा फ्लाई ओवर। बोलो तो इस लेन में जो है ना इधर हल्दिया भी चला गया है, जो कि हम लोग इस लेन में झारखंड और कोलकाता यही रोड में देखता हूँ आपको मैं। तो काफ़ी एकदम देखिए बहुत दूर से जो है रजौली मेन बाईपास से लेके रिपैनल वगैरह का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये देखिए काफ़ी एकदम मज़ा आ रहा है, और बहुत दूर तक जो है रिपैनल वगैरह का काम जो है बहुत दूर तक किया है। और ये रहा फोर लेन, जो कि ये हल्दिया तरफ जाते हैं, और ये सब पहले नहीं था, ये सब पहला वीडियो अगर देखना है आप तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के दे दूंगा, देख लीजिएगा जाके। और चलिए आपको दिखाता हूँ मैं कुछ नज़ारा, जो कि वो पुराना रोड था, जो कि उस पर से नहीं, ये पीसीसी का जो काम हो चुका है इसमें बनेगा अभी, जो बीच वगैरह काम होगा। और ये देखिए ऐसा लग रहा है कि पार्किंग हो गया है यहाँ पर, ये देखिए बहुत सारा जो है, हम लोग नीचे चले जाते हैं, ये इस रोड में चले जा रहे हैं हम लोग, हाँ उधर से आ रहे हैं चंदन भाईजान। ये देखिए जो कि डस्ट बहुत उड़ रहा है, ऊपर चले जाते हैं हम लोग, ऊपर आ गए हैं।
घूमूंगा मैं, और काफ़ी एकदम मौसम भी अच्छा लग रहा है, एकदम गर्मी बहुत लग रहा है। और ये देखिए एकदम रोड, एकदम मस्त लोकेशन लग रहा है, ये देखिए। हल्दिया पहुंच चुके हैं और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर है, मात्र तीन किलोमीटर दूर है यहाँ से। और चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कुछ नज़ारा हल्दिया डैम का, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है और वहाँ पर का व्यू काफ़ी अच्छा आता है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। दिख रहा होगा धूल वगैरह सबसे ज़्यादा, ये दिक्कत करता है, कुछ काम वगैरह हो रहा है यहाँ पर क्या। तो बहुत ही जल्दी पहुँचने वाले हैं, ये देखिए हम पहुँच गए हैं। तो ये देखिए आपको, ये हो गया झारखंड बॉर्डर जो कि इधर झारखंड चला गया है कोलकाता की, और यही जलेबिया रोड, और हम चले गए हैं इधर हल्दिया, इधर हल्दिया चला गया, उधर झारखंड की ओर चला गया, जैसा कि आपको मैं दिखा चुका हूँ। बहुत ही ज़्यादा आगे जाने के बाद जंगल ही जंगल है, बहुत काफ़ी दूर तक, कम से कम तो 1.5 घंटा तक जंगल जंगल आपको मिलेगा इस इलाका में। और हम जा रहे हैं हल्दिया डैम, फाइनली हम हल्दिया डैम पहुँचने वाले हैं। और ये रहा कुछ नज़ारा पहाड़ों का, ये देखिए। और हम लोग ग्रुप में आए हुए हैं ब्लॉगिंग, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, जितना भी भाई लोग हैं सबका वीडियो लिंक दिया हुआ रहेगा। ऐसे ये रहा कुछ हल्दिया डैम का, ये रहा पहाड़ वगैरह, काफ़ी अच्छा लग रहा है, हवा लग रहा है, बदल में एकदम ठंडा पानी। फाइनली हम आ चुके हैं हल्दिया डैम, हल्दिया डैम का कुछ नज़ारा दिखाऊंगा आपको मैं। तो ये देखिए दोस्तों, आ चुके हैं हल्दिया डैम। तो आपको मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम आए हैं इधर से, जो कि हल्दिया डैम जो है रजौली से इधर, और दो रास्ता यहाँ पर पड़ जाता है, एक वहाँ जो कि डैम के लिए, और एक इधर जो कि जो मेन डैम जो है वहाँ से खुलते हैं। और चलिए आपको मैं नज़ारा कुछ दिखाऊंगा, और काफ़ी अच्छा लोकेशन है। और ये देख लीजिए बिहार सरकार जल संसाधन विभाग, और कुछ नज़ारा है यही। ये देखिए हल्दिया डैम, और पहाड़ों का काफ़ी मस्त है, बच्चे लोग ऊपर हैं। और ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, चंदन भाईन है, संजय भाईन है, गोपाल भाईन है, और अर्पित भाई चले गए हैं आगे शायद वो वीडियो बनाने के लिए, और इधर भी हम लोग जाएंगे। तो चलिए आपको वीडियो में बिल्कुल बना रहिएगा, और हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे बाद में। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं हल्दिया डैम, जो कि आपको मैं दिखा चुका हूँ कि रजौली मेन बाईपास से मैं वीडियो स्टार्टिंग किया था। तो ये जो आपको हल्दिया डैम दिख रहा है, तो ज़्यादा फेमस ये हल्दिया डैम से है, जो कि रजौली से 7 किलोमीटर जो अंदर पड़ता है, जो कि उस तरफ रोड चला गया है, जो चला गया है कोलकाता की तरफ, और इधर चला गया हल्दिया डैम। तो ये जो आपको दिख रहा है हल्दिया डैम, तो ज़्यादा जो प्रसिद्ध है इसे जो नाम से जाना जाता है हल्दिया डैम से जाना जाता है, पर यहाँ पे जो बोर्ड में लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार सरकार जल संसाधन विभाग, तो इसे फुलवरिया डैम भी कहते हैं, फुलवरिया जल संसाधन योजना सिंचाई प्रमंडल रजौली, जो कि जिला नवादा में पड़ता है, जो कि ये रजौली में मौजूद है ये हल्दिया डैम, और काफ़ी बड़ा है और काफ़ी रोचक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चारों का नज़ारा, हर तरफ का नज़ारा चारों तरफ। तो फाइनली हम आ चुके हैं दोस्तों, जो कि हल्दिया डैम, जो कि फुलवरिया डैम भी कहा जाता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि यहीं से पानी वगैरह खुलता है दोस्तों। और ये जो जो आपको ये गेट दिख रहा है, ये पहले खुला हुआ था, पहले अंदर जाने देते थे, मगर अब बंद है फिलहाल। और ये रहा कुछ पुल, यहाँ से दिखाता हूँ कि ये जो आपको गाँव दिख रहा है, ये डैम खुलने के बाद ना ये रास्ता है, ठीक है ना। ये अभी उधर से देखिए आपको जैसा दिख रहा होगा कि उधर से लोग वो गांव जाते हैं, और अभी फ़िलहाल जा रहे हैं। और ये जो पानी जब आता है दोस्तों, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, तो नहीं जा पाते हैं लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी का आने के कारण
लोग कहाँ से जा पाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त पानी खुलता है, तो जब बहुत ज़बरदस्त पानी आ जाता है दोस्तों, और ये रहा कुछ नज़ारा, तो यहीं से डैम खुलता है जैसा कि दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी साइड से जा रहा है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। और ये रहा जो कि दिखाया हूँ मैं आपको, और काफ़ी नीचा दम है, खतरनाक लग रहा देखने में, लग रहा कि बहुत जो बिल्डिंग वगैरह रहता है ना, जैसे बोले तो महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कोलकाता में बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हो तो व्यू कैसा नज़र आता है, वो सही व्यू नज़र आ रहा हो रहा। अब मेरे हिसाब से तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे लग रहा है कि डर कितना नीचे में है, बहुत ही काफ़ी नीचे है, देखने में अजीब लग रहा है, तो यहाँ से मैं सैड हो जाता हूँ पहले, बहुत काफ़ी नीचा है। और यही कुछ रहा डैम, उधर रहा पहाड़ वगैरह, और इधर रहे चंदन भजन हैं, अर्पित भाई है, और अर्पित भाई यहाँ पे नहीं है, गोपाल भजन है और संजय भाई है। और यही रहा कुछ डैम नज़ारा, तो आपको मैं दिखा चुका हूँ, काफ़ी बड़ा है हल्दिया डैम भी। तो फाइनली हम आ चुके हैं डैम के नीचे, और ये रहे गोपाल भजन, और वो रहे संजय भजन, और वो रहे अर्पित भाई, और वो रहे चंदन भजन, जो कि ये इसलिए भजन बोलते हैं जो कि मुझसे बड़े हैं, और ये अर्पित भाई हैं जो कि मुझसे मेरे से मतलब उम्र में है, ऐसे तो भाई बोलता हूँ मैं। तो फाइनली हम नीचे आ चुके हैं, और कुछ नज़ारा रहा ये हल्दिया डैम का, अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है यहाँ पे, तो हम लेट जाओ अच्छा से, मगर लेटूंगा, अच्छा लग रहा है, थोड़ा काफ़ी मज़ा आ रहा है ये देखिए, यहाँ से बैठ कर हम देखिए लोकेशन हैवी से, हम लोग शूट भी कर रहे हैं हैवी हैवी, बहुत ही काफ़ी बड़ा हल्दिया डैम है, इधर डेंगी वगैरह आ रहा है आप देखिए। तो हेलो दोस्तों, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि हल्दिया डैम के अभी नीचे हूँ, और एक खुफिया बात जो कि कोई नहीं जानते हैं, जो कि आप लोग कौवा कोल के बारे में सुने होंगे कि बोलता पहाड़ कौवा कोल में है, तो आप लोग अगर कौवा कोल में जाइएगा बोलता पहाड़ में, अगर कुछ बोलिएगा आप तो वही रिपीट होकर आता है, तो यहाँ मैं कुछ आवाज़ बोला हूँ या कुछ बोला है तो यहाँ भी आवाज़ कुछ आया, बोलता पहाड़ जैसा, जैसे मैं बोलता हूँ चिल्ला के बोलता हूँ तो आवाज़ आएगा शायद, देखिए मैं बोलता हूँ हल्दिया डैम, आवाज़ आता है उधर से कुछ आता है, जैसे फिर से एक बार और बोलता हूँ हल्दिया डैम, काफ़ी आवाज़ एकदम गूंज रहा है, और मान लो तो ये बोलता पहाड़ हल्दिया डैम जो है, अब इसका नाम हो गया है हल्दिया बोलता पहाड़, क्योंकि आवाज़ गूंज रहा है, फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ हल्दिया डैम, अच्छा लग रहा है, आप लोग को आवाज़ आ रहा था जी, आप लोग को आवाज़ गूंज रहा था, ये देखिए गोपाल भाजन बोल रहे हैं कि आवाज़ गूंज रहा था, तो आप लोग भी आए हल्दिया डैम विजिट करें एक बार ज़रूर, और बाकी तो इन लोग का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, यहाँ पे मैं शुरू किया था सबसे पहले, जब आवाज़ गूंजा था तो आवाज़ जब गूंजा था मैं बोला था कुछ भी अपना नाम, तो सब कॉपी कर रहे हैं, ये देखिए अर्पित भाई भी कॉपी कर रहे हैं, गोपाल भाईजन भी कॉपी कर रहे हैं, और संजय भाईजन सब कॉपी नहीं किए हैं, ना चंदन भाईजन, और ये सब देखिए हल्दिया डैम हल्दिया डैम कर रहे हैं। और अगर आवाज़ नहीं आ रहा होगा आपको, तो मोबाइल का जो साउंड है ना, तो जहाँ से आपका साउंड निकलता है तो वहाँ पर महसूस करिएगा, एकदम कान पर रखिएगा, तो आपको आवाज़ आएगा, ज़रूर आएगा। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ हल्दिया डैम, तो आवाज़ उधर से आ रहा था, अगर आपको अगर नहीं लग रहा कि आवाज़ आ रहा, तो आप जो है महसूस करिएगा, मुझे बोलने के बाद जरूर महसूस करिएगा उस साइड की ओर, देखिएगा गौर से सुनिएगा, एक बार और मैं बोलता हूँ हल्दिया डैम, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आवाज़ सुनने में, ये देखिए पूरा नज़ारा, और बहुत ही काफ़ी नज़ारा है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए एक बात और, हाँ ये देखिए फुलवरिया जो है उसट गांव है, और वहाँ से गांव जो है बहुत लोग जो है जाते हैं, सोच लीजिए सेम से उसट गांव है, और जो आपको ये सब दिख रहा है ये सब पहले गांव था, और ये सब गांव था और उस तरफ गांव चला गया है, ये जो है ना उस तरफ चला गया होगा, जैसा कि एक जो है चाचा जान बोले थे, तो वो आपको वो वीडियो में शूट नहीं किया था, वो वीडियो सिर्फ चंदन भाईजान शूट किए थे, जो कि अपना नवा आधा पेज है फेसबुक पे, तो वो क्लिप वहाँ यूज होगा, तो वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा, तो अपना पेज जो है फेसबुक में है, तो जाके वहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बताए थे चाचा जान,
चाचा जान बताए थे कि ये सब पहले जो था ना, ये सब बोले तो घर था 1994 या क्या बोले थे, तो फेसबुक पेज में जाके देख लीजिएगा। तो अब वो लोग उस साइड गांव में रहते हैं, ये जो है ना उस तरफ रहते हैं। तो अर्पित भाई जो है ये देखिए बोल रहे हैं, पहले मैं ट्राई किया हूँ, उसके बाद जो है सब लोग ट्राई कर रहे हैं, पहले मैं ट्राई किया हूँ। सबसे पहला मुझे लगा कि बोलना चाहिए, मगर मैं बोलता पहाड़ नहीं गया हूँ। और बोलता पहाड़ का आप लोग वीडियो देखे होंगे चंदन भायन का फेसबुक पेज में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम आ चुके हैं बीचों बीच में, ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गोपाल भाजन उधर जो है ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और इधर देखिए चंदन भायन और अर्पित भाई गए हुए हैं, और संजय भाजन पीछे हैं। ये देखिए गोल 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 घूमिए, और काफ़ी है जो कि वहाँ पर हम बैठ के वीडियो वगैरह बनाए थे। ये देखिए अर्पित भाई और चंदन भाई जो है इधर है, वो अपना वीडियो बनाएंगे। और एक बात, हाँ बहुत ही काफ़ी अच्छा नज़ारा है, अब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए इस जगह पे। तो हम लोग हल्दिया डैम के नीचे जा रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि काफ़ी थोड़ा जो है सब लोग जो है नीचे गए हुए हैं। अब कुछ नज़ारा रहा यही हल्दिया डैम का, जो कि फुलवरिया डैम से कहते हैं, ये देखिए। और अगर आप लोग नीचे आ रहे हैं तो प्लीज़ सेफ रहें और अच्छा से रहें आप लोग। ये आपको पिलर दिख रहा है, ज़्यादा मतलब खेल कूद ना करें प्लीज़, ऐसे तो कुछ नहीं होगा, गड्ढा नहीं होता ना यहाँ पे, जैसे कि सब ये है तो उतना नहीं, आप लोग कुलचुल करें तो पिलर के हिसाब से चले आप लोग। ये रहा कुछ नज़ारा, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा शायद, अगर अच्छा लग रहा तो लाइक करें, शेयर करें, अगर हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। यही रहा कुछ नज़ारा, ये देखिए सब लोग नीचे पहुँचे हुए हैं, जरा संजय भाई गोपाल भाजन और चंदन भाईन उधर हैं, ये देखिए नज़ारा नीचे। हम नीचे हैं आप लोग को जैसा कि आपको दिखाया हूँ, ये देखिए, और काफ़ी जो है नीचे है, कम से कम तो 150 फीट है ना चंदन भाईन, 150 फीट ना है जी, तो 150 फीट नीचे है, सोच लो 150 फीट। अब संजय भाईन बोलेंगे 150 फीट नीचे है, ये देखिए। तो चंदन संजय भाई ने बोले कि नहीं बोलेंगे, अब बताओ। अगर हम उनको बोल दिए कि 150 फीट मतलब, अरे जानकारी है भाई, जानकारी देना चाहिए। तो ये देखिए संजय भाई, वही है ये बोले ना कि 150 गड्ढा है वो बोल रहे हैं। उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, 150 नीचे फीट है, मैं बोला तब बोल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो ये देखिए बहुत ही काफ़ी गड्ढा है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और सभी दोस्तों सब डेंजर में हैं, ये देखिए 150 फीट, हाँ तो उधर रहे चंदन भाईन जो कि फ़ोटो खींच रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों लोग के पास शेयर करना ना भूलें, अगर हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।